नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप चाहे तो जेंट्स स्वेटर में बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन जैकेट कुर्ती में बनाए, इसे आप शॉल में बनाए, स्टॉल में बनाए या शग में बनाए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न है, ये सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। देखिए ऐसे 3 3 3 3 3 ऐसे गिनते हैं तो लास्ट में 2 फंदा शेष बचता है। जैसे मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसे पहली लाइन समझें, इनका पहला लाइन और सामने से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदों को हम लेंगे, 1 2 और 3। 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से हम एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब ऊन चढ़ाकर वापस हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर इन्हीं तीनों में एक और सीधा फंदा। तो हमने 3 से 3 फंदे बना लिए। अब इसे गिरा देंगे, नेक्स्ट 3 फंदे लेंगे, 1 2 और 3। तीनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर इन्हीं तीनों में एक और सीधा फंदा। तो 3 से हमने 3 फंदे बना लिए। अब इन्हें गिरा देंगे, अब फिर नेक्स्ट 3 फंदे लेंगे। अब इन 3 फंदों में वापस हमें 3 फंदा बनाना है, 1 ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर इन्हीं में एक और फंदा। तो ये 3 से हमने 3 फंदे बना लिए। अब इसे हम गिरा लेंगे, तो इन्हीं 3 फंदों को हम ऐसे ही बुनते चले जाएंगे, पूरी लाइन 3 3 फंदे लेते जाएंगे और 3 से हम 3 3 फंदे बनाएंगे, 1 उन दूसरी ओर, 2 इसी में एक और सीधा फंदा बना लिया, तो ये हो गया 3। तो 3 से 3 फंदे, नेक्स्ट 3 फंदे लेंगे और बैक लूप से 3 फंदे बनाना है, एक सीधा फंदा बनाया, उन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले गए और फिर इन्हीं तीनों में एक और सीधा फंदा, नेक्स्ट 3 फंदा, सीधा बनाया, उन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ, फिर इन्हीं तीनों में एक और सीधा फंदा, 3 से 3 फंदे, नेक्स्ट 3 फंदा, एक सीधा फंदा बनाया, उन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले गए, फिर इन्हीं तीनों में एक और सीधा फंदा, लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, शेष फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, हाथ हम ढीला रखेंगे, सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है और हाथ ढीला चलाना है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो तीसरे लाइन में भी हम पहले लाइन को ही दोहराएंगे, बस थोड़ा सा हमारा स्पेस प्लेस चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे का डिज़ाइन है, तो एक फंदा इसमें से हम सीधा बुनेंगे। अब इस डिजाइन से 2 फंदा और नेक्स्ट अगले डिजाइन से 1 फंदा, इन 3 फंदों को हम लेंगे, 1 2, एक डिजाइन से 2 फंदा और दूसरे डिजाइन से 1 फंदा, इन 3 फंदों को लेंगे और फिर अब डिजाइन इन 3 फंदों पे बनेगा, एक सीधा बनाया, ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले गए, फिर इन तीनों में एक सीधा फंदा। तो 3 से हमने 3 फंदे बना लिए। अब देखिए, अब इस डिजाइन से 2 फंदे बचे हैं, तो 2 फंदा ये और एक नेक्स्ट वाले डिजाइन से 1 फंदा ले लेंगे, तो 1 2 और 3 फंदा, 3 फंदा हम लेंगे और फिर बैक लूप से यानी पीछे की तरफ से हम डिजाइन बनाएंगे, एक सीधा फंदा बनाया,
उन सलाई पे चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले गए और फिर इन्हीं तीनों में एक और सीधा फंदा, तीन से तीन फंदा भी ने गिरा दिया। नेक्स्ट तीन फंदा लेंगे, एक दो तीन, सीधा फंदा उन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले गए, फिर इन्हीं में एक और सीधा फंदा। तो फिर हमें इसी पैटर्न को पूरी सिलाई में दोहराना है, तीन तीन फंदे लेते जाना है और तीन से तीन फंदे बनाना है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, हाथ में ढीला रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा पैटर्न बनके तैयार है। देखिए कितना सुंदर है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा यह डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।